ओम गणेशाय नमः। आज हम रामचरितमानस जी की सिद्ध चौपाइयों के बारे में बात करेंगे, वो चौपाइयाँ जिससे अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और अगर आप इन चौपाइयों का बच्चे से उच्चारण करवाते हैं, उनसे बुलवाते हैं, तो यकीन मानिए ये चौपाइयाँ इतनी सिद्ध हैं कि बच्चे की जो बुद्धि है उसको बड़ा ही शार्प कर देते हैं और बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाता है, उससे गुरुग्रह अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के नंबर और उसे आगे सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो देखिए हम आगे बात कर लेते हैं कि कौन सा वो चौपाई है। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियोज़ बनाने की और प्रेरणा मिलती है। देखिए जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने गुरु की शरण में चला जाता है उसे कम समय में ही सभी प्रकार की विद्याएं हासिल हो जाती हैं। इस चौपाई में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है और इसका जाप करने से विद्या प्राप्त करने के सभी रास्ते खुल जाते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्ति करने के लिए योग भी बनते हैं। अगर आप पढ़ाई या तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इस चौपाई का नियमित जाप करें और इससे आपके ज्ञान और विद्या में बढ़ोतरी होगी और आपकी शैक्षणिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बताती हूँ मैं आपको ये चौपाइयाँ क्या हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ऊपर स्क्रीन पे भी आपको ये दिख रहा होगा, आप इसका जाप कर सकते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। इस चौपाई का मतलब है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने गुरु की शरण में जाता है वो अल्पकाल में ही सभी तरह की विद्याओं को प्राप्त कर लेता है।